कोटक बैंक का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट और एक्सेप्शनल, लेकिन बैंक के आईटी सिस्टम्स पर आरबीआई नाखुश। कोटक बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,20,000 करोड़ से भी ज्यादा। कोटक रहा है भारत के 4 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक। हर साल बढ़ता हुआ ह्यूज प्रॉफिट्स, जिसके कारण कंपनी के नेटवर्थ में बढ़त, नेटवर्थ रहा है एक एसेंडिंग चैनल में। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। बढ़ता हुआ एडवांसेस, खासकर पिछले 3 सालों में प्रूडेंट प्रोविजनिंग पॉलिसी की वजह से जीएनपी परसेंटेज पहुंच गया है लोवेस्ट लेवल। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजनिंग कवरेज की कारण एनएनपी परसेंटेज नीचे की तरफ। रही बात एसेट स्ट्रेंथ की, कोटक बैंक का पोर्टफोलियो रहा है बहुत इंप्रेसिव। बढ़ता हुआ नेट इंटरेस्ट इनकम और फी बेस्ड इनकम की वजह से कोटक का इनकम स्ट्रीम बन गया है ब्रॉड बेस्ड। प्रॉफिट्स में हर साल इंप्रूवमेंट, इसी कारण करंट ईयर प्रॉफिट्स पाए जाते हैं पीक लेवल पर। पीएटी परसेंटेज में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का रिफ्लेक्शन, खासकर पिछले 2 सालों में कंपनी का इनकम रिफ्लेक्ट करता है एफिशिएंसी ऑपरेशंस के हर हिस्से में। कोटक के टर्म डिपॉजिट्स में लगातार बढ़त और पिछले 2 सालों में अमाउंट डबल हुआ है। लेकिन रही बात करेंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स की, जहां मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिलता है, कासा परसेंटेज में भारी गिरावट करीब 15% तक, जिसका नेगेटिव असर इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। 2014 से प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूशन को लेकर कोटक बैंक और आरबीआई के बीच बहस लगातार जारी रहा। 2018 में आरबीआई ने कोटक को डायरेक्ट किया कि प्रमोटर होल्डिंग 15% तक घटाया जाए। बदले में कोटक ने आरबीआई के खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर दिया। इस बीच शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। जनवरी 2020 में आरबीआई ने एग्री किया कि डाइल्यूटेड स्टेक का लेवल 26% उसको मंजूर है। सरप्राइजिंगली इस सेटलमेंट के बाद शेयर प्राइस एक रेंज के अंदर आ गया। स्पेसिफिकली अक्टूबर 2021 से आज तक शेयर प्राइस 2000 का लेवल पार नहीं कर पाया। कोटक बैंक जाना जाता है उसके यूनिक सक्सेस स्टोरी ऑफ 811 मोबाइल बैंकिंग से। वीडियो केवाईसी और डिजिटल ऑपरेशंस को इफेक्टिवली यूज करते हुए कोटक ने सफलता पाई है। उसने अट्रैक्ट किया है एक नए जेनरेशन ऑफ डिजिटल सेवी कस्टमर्स और उनके साथ अपनाया है साइजेबल अमाउंट ऑफ बिजनेस। अपने डिजिटल बैंकिंग सक्सेस से कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड बिजनेस और अनसिक्योर्ड लोन्स दोनों में रहा है अपने पीयर्स से बहुत आगे। अफसोस की बात है कि कोटक बैंक अपने आईटी सिस्टम्स के वीकनेस की वजह से 811 डिजिटल बैंकिंग का सक्सेस का पूरा फायदा उठाने में सफल नहीं रहा। असर ये हुआ कि कस्टमर्स को सिग्निफिकेंट आउटेजेस का सामना करना पड़ा। आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि कोटक के करेक्टिव एक्शन प्लान्स हाफ हार्टेड और इनएडक्वेट थे। यही कारण है आरबीआई ने की कड़ी कार्रवाई। अप्रैल 25, 2024 को आरबीआई ने कोटक बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग से नए कस्टमर्स ऐड करने से मना किया। उसने ये भी मैंडेट दिया कि इस बारे में किसी रिवीजन से पहले कोटक को कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्लायंस का विश्वास दिलाना पड़ेगा। 2 साल पहले HDFC बैंक को ऐसे ही सिचुएशन में आरबीआई से रिलीफ लेने में लगा था करीब 15 महीने। हो सकता है कोटक बैंक को अपने नए डिजिटल कस्टमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाने में
उतना ही टाइम तक वेट करना पड़ेगा। इसका असर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आरबीआई के बैन का असर शेयर मार्केट में करीब 13% की गिरावट लाने में सफल हुआ। इस बीच कंपनी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण शेयर प्राइस फिर से घटकर 52 वीक लो तक पहुंच गया। आरबीआई बैन का असर कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ आरबीआई के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आईटी में, और जिसका असर FY25 में हैवी टेक्नोलॉजी कॉस्ट्स। पिछले 5 सालों में शेयर मार्केट में कोटक ने दिया रिटर्न जस्ट 11%। इसी टाइम पे कोटक के प्रियर्स जैसे HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक और बैंक निफ्टी, इन्होंने दिया मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। अपनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद कोटक का सिर्फ 11% रिटर्न बहुत सरप्राइजिंग लगता है। हैरानी की बात है कि क्वालिटी लोन बुक, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू पिछले कई सालों से लगातार गिर रहा है। आजकल कोटक बैंक के शेयर के बारे में रिस्क रिवार्ड रेशियो नजर आता है बहुत फेवरेबल, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि प्राइस टू बुक वैल्यू में हर साल डी रेटिंग की वजह क्या है। दो मेजर पॉजिटिव्स: स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल ऑपरेशनल पैरामीटर्स, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट। नेगेटिव्स में प्राइस टू बुक वैल्यू में लगातार गिरावट और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर टाइमिंग पर बहस। आशा करते हैं कोटक बैंक पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आप ऐसे ही रिच कंटेंट वाले वीडियोस पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @StockLearningSimplified। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।